Assalamu alaikum everyone, a very warm welcome to all of you on our online platform Genius Academy Pulwama. I will just give you a brief introduction about myself Ubaid Hussain. I am presently doing my MBBS from Government Medical College Doda. I will just teach you some of the portion of your zoology syllabus. I will start from the physiology portion aur hum aaj start karenge digestion se. To hota hai actually beta jo hard plate hota hai na ye बेटा बूनी होता है, यही वजह है कि जो हार्ड प्लेट होता है बेटा ये थोड़ा हार्ड होता है और सॉफ्ट प्लेट बेटा मसल्स का बना होता है, यही वजह है बेटा ये सॉफ्ट होता है। एक्चुअली बेटा आप अगर देखोगे ना अपनी ऑरल कैविटी से बेटा टंग उठाओगे बेटा, आपको जो बेटा टंग के साथ बेटा जो हार्ड सरफेस बेटा टच करते हैं ना इसी को बेटा हार्ड प्लेट बोलते हैं। जो लास्ट बेटा पोस्टीरियरली होता है उसको बेटा हम सॉफ्ट प्लेट बोलते हैं। एक्चुअली बेटा बुकल कैविटी में बेटा एज सच क्वेश्चन ऐसे नहीं आ सकता है। बुकल कैविटी में बेटा जब क्वेश्चन एग्जामिनर अगर आप एक टीथ को देखोगे जो अपर सरफेस होता है बेटा जो व्हाइटिश होता है जो दिखाई देता है जब बेटा जो दिखाई देता है सरफेस टीथ की उसको हम बेटा क्राउन बोलते हैं। और जो सेकंड पार्ट होता है टीथ का जो सेकंड पार्ट होता है उसको बेटा हम नेक बोलते हैं। That part of teeth which is बेटा जो embedded होता है socket of jawbone में, जो बेटा jawbone में होता है उसी को हम बेटा root बोलते हैं। अब आप क्वेश्चन करोगे सर ये जो टीथ होता है इसके तीन पार्ट्स होते हैं क्राउन नेक और बेटा रूट। जो आप बेटा हार्ड सरफेस देखते हो ना अपने टीथ की जो बेटा आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है हार्ड सरफेस ऑफ द टीथ इज कॉल्ड इनेमल, बेटा जो हार्ड सरफेस होता है और जो बेटा आपकी डाइफोडोंट डेंटिशन पे आप देखेंगे हम बेटा डाइफोडोंट डेंटिशन क्या होता है देखेंगे। मस्कुलर ऑर्गन होता है बेटा जो आप बेटा कभी कभी वॉलंटरली बेटा आप कंट्रोल करते हो मगर बेटा जब आप स्पीच करते हो जब आपको बातें करते हो तो फिर बेटा ये इनवॉलंटरी बनता है। तो फिर आप कहोगे सर जो टंग होता है बोथ वॉलंटरली बेटा कंट्रोल ये हमने इसोफेगस देखा। उसके बाद बेटा हम देखेंगे स्टमक। स्टमक बेटा हम अगले लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह।